बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर बेटे की हत्या की सुपारी देने वाले पिता समेत तीन आरोपियों को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लोकेश गायकबड़ के मोबाइल पर 8 सितंबर को गाड़ी बुकिंग के लिए एक व्यक्ति का फोन आया था। फोन के बाद दो युवकों के साथ लोकेश अपनी कार को चलाते हुए बुकिंग में चला गया। इसी बीच फिंगेश्वर जमाही के पास सुनसान इलाके में वाहन को रुकवाकर बुकिंग करने वाले युवकों ने चाकू से लोकेश पर हमला कर दिया। पीड़ित ने मामले की जानकारी फिंगेश्वर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बेटे की दूसरी शादी और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने रायपुर के दो लोगों को हत्या की सुपारी दी थी।